तो आज जो है थोड़ा सा 12th के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि 12th क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं। पहले तो ना थोड़ा सा 12th क्लास में आने के बाद इसी सोचे, तो 12th क्लास में आने के बाद ना बच्चों को थोड़ा सा ये होता है कि 12th क्लास की अकाउंट होगी क्या, और इस बार तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी डाउट है कि 11th के कंसेप्ट ना कुछ कमजोर रह गए तो 12th में दिक्कत तो नहीं आएगी, तो उस चीज को दिमाग से निकाल देना। 11th के एक आध कंसेप्ट जो होते हैं जिनकी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, मैं जब समझाऊंगा तो उन कंसेप्ट को बार बार रिपीट करूंगा जिससे वो कंसेप्ट हमारे वीक नहीं रह जाएंगे, तो उस चीज को दिमाग में, क्योंकि दिमाग में जब कंफ्यूजन लेके चलते हैं ना तो चीज समझ में नहीं आती। 12th क्लास की अकाउंट्स 11th क्लास की अकाउंट्स के मुकाबले बहुत इजी है। 11th क्लास में ना हर एक चैप्टर अलग अलग होता था, जनरल करिकुलम लेजर बिल्कुल अलग, उसके ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अलग, बैंक रिकंसिलिएशन अलग। 12th क्लास का अकाउंट्स ना अलग अलग नहीं है, ठीक है जी। 12th क्लास में चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा चैप्टर आधा अपने आप ही समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा अपने आप समझ में आ गया। तो इस तरीके से अकाउंट आपस में जुड़े हुए हैं और इजी है। लेकिन 12th क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि प्रैक्टिस बहुत मांगती है अकाउंट। इजी है, जब मैं आपको समझाऊंगा आप देखना बड़े अच्छे से समझ में आता जाएगा, लेकिन ये कि जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक परफेक्ट नहीं होगी। तो 12th क्लास के अंदर इजी है लेकिन ज्यादा है, ज्यादा मतलब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं प्रैक्टिस का वीडियो आपको बहुत दूंगा, जिसको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब 12th क्लास में हम करने क्या वाले हैं, तो दिमाग में पहले दिन ये निकाल देना कि 12th क्लास के अकाउंट्स कुछ मुश्किल होती है, ठीक है। हर साल बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि इजी है, 11th क्लास के मुकाबले बहुत इजी है, जब आप करोगे अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब अकाउंट्स बनाए कैसे 12th क्लास के अंदर, ठीक है जी, वो देखिए। 11th क्लास के अंदर आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग से फॉर्म्स होती है, पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पांच टाइप की आपने फॉर्म पढ़ी थी, आपको याद होगा बिजनेस स्टडीज का एक कांसेप्ट था, उसमें क्या था, एक ओपीडी, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, एक होती थी पार्टनरशिप, एक हुआ करती थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जिसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कह देते हैं, एक होती है सोसाइटीज जिसको हम ऑपरेटिव सोसाइटीज कह देते हैं, और एक होती है कंपनी। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये पांच टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। 11th क्लास में जब आपको अकाउंट बनाने सिखाए गए थे तो वो अकाउंट आपको किसके बनाने सिखाए गए थे, अभी तक जो आपने आज तक अकाउंट बनाने सीखे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाने सीखे हैं। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाया था, बेशक से किसी को बनाना आता नहीं बनाना था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सोचो कि मैं ट्रेडिंग का नाम दे रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आएगा 12th क्लास में। 12th क्लास का अकाउंट 11th क्लास के अकाउंट के मुकाबले बिल्कुल अलग है। एक आप बेसिक कंसेप्ट है जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जानो तो जो प्रॉफिट आता था उसको लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट में ले जाकर उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो वो जो अकाउंट आपने बनाने सीखे ना वो आपने सीखे सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ही आदमी है, ठीक है जी, सारा पैसा उसने लगाया, जो कमाएंगे सारी कमाई भी उसी की। 12th क्लास के अंदर हम किसके अकाउंट अब नहीं करेंगे, हम जो अकाउंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के कोई अकाउंट अलग से नहीं होते, वो नॉर्मल जैसे बिजनेस होता है उसके होते हैं। तो बाकी तीन रह गए, पार्टनरशिप रह गई, ऑपरेटिव सोसाइटीज रह गई और कंपनी रह गई। ऑपरेटिव सोसाइटीज को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं, सोसाइटीज बनती है आपने देखा होगा जैसे स्कूल है वो सोसाइटीज के अंदर बनते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, उनका पर्पज पैसा कमाना नहीं होता, सर्विसेज देना होता है, ठीक है। तो जो सोसाइटीज होती है उनको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं। 12th क्लास के अंदर इन तीनों चीजों के अकाउंट बनाने आएंगे, पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाने आएंगे और कंपनीज के अकाउंट बनाने आएंगे। मतलब जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है 11th क्लास में सभी के अकाउंट बनाना सीख लेंगे, ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर आपके टोटल जो आएंगे पांच चैप्टर आएंगे, ठीक है, पांच चैप्टर आएंगे आपके डीके ग्रुप में पूरी उससे बुक बना के देखिए। मैं आपको दो फाइल्स दूंगा, पहली फाइल के अंदर मैं तीन चैप्टर दूंगा, अगली फाइल के अंदर मैं दो चैप्टर दूंगा। ये जो पांच चैप्टर आएंगे ये आपके पट्टी मार्क्स, ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला चैप्टर जो मैं आपको आज शुरू करवाऊंगा वो होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का फंडामेंटल का बेस। तो पार्टनरशिप का बेस हम आज से शुरू करेंगे, उसके बाद तीन चार चैप्टर्स हो रहे हैं,
पहला चैप्टर आ गया तो मान के चलना अगला चैप्टर 50% अपने आप आ गया, कनेक्टेड है। दूसरा चैप्टर आ गया तो तीसरा अपने आप आ गया। तो 12th क्लास के अंदर रेगुलरिटी चाहिए, मिस कर दोगे तो फिर आगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर। तो पार्टनरशिप के 5 चैप्टर हैं, एनपीओ का एक सिंगल चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्लब्स हैं। तो सर कंपनीज के हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, कंपनीज हमारी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो 60 मार्क्स आपके ही हो गए। ठीक है, उसके अलावा एक बुक आती है जिसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का होता है किसी चीज को बड़ा डिटेल में जाके स्टडी करना, वो 20 मार्क्स की बुक आती है। उसमें 6 चैप्टर्स हैं, 6 में से 4 चैप्टर्स तो ऐसे जो एक दिन के हैं। बेसिकली उसमें 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमें हफ्ता हफ्ता 10 दिन लगता है करने के लिए। वो बुक बाद में करनी है क्योंकि अभी उसका समझ में भी नहीं आएगा क्या चीज है उसके अंदर, तो उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो 20 मार्क्स ही हो गए। 20 मार्क्स आपका 12th क्लास के अंदर प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। बाद में जब आपकी एनालिसिस वाली बुक हो जाएगी, सबसे लास्ट में हम एनालिसिस के ऊपर आते हैं, तो जब एनालिसिस की बुक हो जाएगी वो लगभग अगस्त तक की बात है, तो उस टाइम उसके ऊपर बेस्ड आपका एक प्रोजेक्ट बनता है। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, 4 नंबर की फाइल होती है, 4 नंबर का फाइल के ऊपर ही बेस्ड वाइवा होता है, और 12 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जिसमें रेशियोज और कैश मोड के क्वेश्चन आते हैं, वो 2 चैप्टर्स हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो ये हमारा 12th क्लास के अंदर बाइफर्केशन। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं वो पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। टोटल 5 चैप्टर्स कवर करने में लगभग लगभग 2 महीने के करीब का टाइम लगता है, अप्रैल और मई में, मई के अंत तक लगभग हमारे 5 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सिलेबस तो हमारा ही होता है, बस 12th क्लास में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रेगुलरिटी चाहिए। मतलब पता ना कहीं हो गया कि नहीं 2 दिन के बाद 1 दिन फिर उसने चला ना आए, किसी का लगता भी है कि चलो ना आए, तो ऑनलाइन क्लासेस है हमारे, तो ऑनलाइन ही चल रही है साथ साथ। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी होगा, अगर मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, डेली बेसिस के ऊपर। अभी मैं 1-2 दिन के अंदर ना आपको ऐप का लिंक भेज दूंगा, जो सारों के नंबर ले लूंगा, तो उस ऐप के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर शाम को या अगले दिन सुबह तक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एज इट इज अपलोड हो जाएगा, तो किसी का कोई मिस भी हो जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे साल तक आपके पास रहेगा। तो कभी भी लगता है कि हाँ भाई हमें क्वेश्चन चेक रह गया तो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो मैं शुरू कर रहा हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, 5 चैप्टर पार्टनरशिप के हैं। सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। कोई बता सकता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, सबसे इजी लैंग्वेज में ये हम बताते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। एनी बिजनेस दैट इज कैरीड ऑन बाय 2 or more than 2 पीपल, 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, यही होता है। लेकिन जब हम टेक्निकली बात करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए रूल्स बने होते हैं, तो हम जो डिफाइन करते हैं बुक्स के अंदर वो रूल्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रूल्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनती है। तो इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो चलता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नोट में पहला मिनिस्ट्री हुआ बड़ा इंडियन कंपनी एक्ट है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग जैसे कंपनी के लिए आपने पढ़ा है कंपनी एक्ट 2013 होता है, वैसे पार्टनरशिप का जो इंडिया के अंदर बिजनेस चलता है दैट इज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नोट में करेक्शन कर लेना, मैंने इंडियन पहले पेज पे इंडियन कंपनीज एक्ट करवाया लिखा है, तो उसकी जगह पार्टनरशिप एक्ट कर लेना, ये हटता रह जाता है इसको थोड़ा चेंज करना। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन जो करेंगे सब कुछ करेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से करेंगे। कोई भी एक्ट पास करने का पर्पज होता है कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो उस एक्ट में लिख दिए जाते हैं, फिर जो बिजनेस चलता है वो उस एक्ट के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, अब अगर मैं लीगली डेफिनेशन करूं सिंपलेस्ट वे में तो कोई भी डिफाइन कर सकता है पार्टनरशिप का मतलब, एनी बिजनेस दैट इज कैरीड ऑन बाय 2 or more than 2 पीपल। लेकिन अगर मैं लीगली डिफाइन करूं तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं, जब मुझे वो पार्टनरशिप के फीचर समझ में आ जाएंगे तो मुझे डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। थ्योरी डिटेल में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। 12th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़ा घुमा घुमा के आते हैं,
ठीक है जी, उसके लिए रट्टा नहीं मारना, कोई भी चीज का दिमाग में लगता है ना कि दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, साथ के साथ क्लियर कर देना, दिमाग में कुछ नहीं रखना है, जितना मुझे कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा आपको भी उतना ही क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना कि हाँ ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, साथ के साथ क्लियर कर देना, ठीक है जी, जितना ज्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो साथ के साथ अपना डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है, आगे भी चल के कुछ भी कोर्स करोगे तो 12th क्लास के अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में 100% क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के लिए पार्टनरशिप के पांच फीचर्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करता हूं ना पार्टनरशिप के अंदर, तो दैट इज टू और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो या उससे ज्यादा होने चाहिए, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, मिनिमम कितने क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम टू जो होने चाहिए यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो मिनिमम दो ऐसे होने चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। इंडिया के अंदर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो दोनों पार्टीज जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब आप में से कोई एलिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 18 साल है उससे ऊपर का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, उससे नीचे का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। होता ना स्कूल वाले एप्लीकेशन लिखाते हैं, साइन करा देते हैं, चल साइन कर दे, ठीक है इसको बाद में यूज करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इफ यू आर बिलो 18 इयर्स ऑफ एज आपके साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई आप कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो दो कौन कौन होंगे, दो कौन कौन होंगे, ठीक है जी, तो एक्सेप्ट मिनिमम टू एक्सेप्ट, एक होता है माइनर, माइनर का मतलब पर्सन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। अब मैंने कहा ना आपने हाँ भर दी कि हमें दो इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मॉडल भी ऐसे क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको देखना है कि मिनिमम दो जो है उसकी एज क्या है, अगर वो 18 साल से उसमें से कोई भी कम हुआ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। एक होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, इनसेन जिसको कह देते हैं, पागल कह देते हैं, कोई भी दिमाग में प्रॉब्लम, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सोचे देखना किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन दे दो, कोई भी सब कुछ अपना नाम लिखवा लेगा तो उसको अलाउड नहीं होता। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो दो में वो भी नहीं हो सकता। उसके अलावा एक होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या हुआ, जिसको कानून ने कह रखा भाई तू एलिजिबल नहीं है, तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट आपने 11th क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, उसका मतलब क्या होता है, कोई इंडिविजुअल जिसके सारा कुछ बिक जाए, खत्म हो जाए, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, और वो फिर किसी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर ले, 50 लाख की आपस में डीलिंग कर लेते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई इंडिविजुअल जिसको कोर्ट ने लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई आप जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। So when I am talking about minimum two, those minimum two should be the people who are qualified to enter into contract, who are eligible to enter into contract. A person who is not eligible cannot become a partner. So minimum two, khali minimum two nahi, minimum two eligible people who can enter into contract. So minor jo hai wo nahi ho sakta, person disqualified by law jo hai wo nahi ho sakta, aur person of unsound mind jo hai wo nahi ho sakta. Clear? तो मिनिमम के बारे में तो मेरे दिमाग में जो डाउट थी वो निकल गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है मैक्सिमम के बारे में। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो किसके अंदर चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। तो अगर मैं मैक्सिमम का रूल देखता हूं, मैक्सिमम का रूल देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं,
बड़ी हैरानी वाली बात है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है। वैसे तो अगर मैं कहता हूँ कि कानून सब कुछ इसमें लिखा है, लेकिन मैक्सिमम इज नॉट गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिखा ही नहीं कुछ कितने मैक्सिमम। फिर कैसे पता चले कितने मैक्सिमम, थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन कंपनीज एक्ट में इंडियन कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट ने 2013 में कंपनीज एक्ट पास करा था, उस एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम कितने हो, उसने भी क्लियर कट नहीं बताया, उसने कहा मैक्सिमम कैन बी, है किसी का आइडिया कुछ, मैक्सिमम कैन बी 100 बट दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया कि भाई हमारे हिसाब से हमने क्या लिख दिया कि 100 तक मैक्सिमम हो सकते हैं, ये नहीं बताया एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने होंगे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को डिसाइड करना, तो बस गवर्नमेंट भी कितने मैक्सिमम डिसाइड कर सकती है, 100 उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो बताना था, तो फिर गवर्नमेंट ने 2013 में कहा ना, तो कंपनी रूल गवर्नमेंट ने पास करे 2014 में, ठीक है, उसका सेक्शन 10 है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि एट प्रेजेंट मैक्सिमम इज, ये मैं चीज क्यों बता रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर द, और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप एज पर कंपनी एक्ट। बच्चे वहां पर बच्चों के दिमाग में 11th क्लास से बैठा होता है, कितने 50, तो देखते 50 लिख देते हैं। मैंने व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एट प्रेजेंट नहीं पूछा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर कंपनी एक्ट, कितने लिखूं, 100, क्लियर चीज, कितने हो सकते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से 100, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एट प्रेजेंट, तो क्वेश्चन घुमा के आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गलती होगी ना, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट इज नॉट गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब कुछ लिखा ही नहीं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्लियर है चीज, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 100, लेकिन कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक्चुअली एट प्रेजेंट कितना डिसाइड कर रखा है, क्लियर है रूल्स, मिनिमम मैक्सिमम से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही है, फीचर्स में से मान के चलना बोर्ड के पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा फीचर्स में से पूछेगा, ऐसा ही कुछ पूछेगा कि दो पार्टनर्स है राम और श्याम, राम की एज 17 साल है, श्याम की एज 20 साल है, दोनों पार्टनर्स करना चाहते हैं, तो 17 साल तो ना कहीं छोटा सा कर देगा बिल्कुल, और कहानी बना देगा पूरी, और उनके पैसा भी बहुत है, ठीक है, घर वाले भी मान रहे हैं चलो पार्टनरशिप कर लो, वो भी मान रहे हैं, वो एग्रीमेंट भी करना चाह रहे हैं, बताओ पार्टनरशिप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को इंडियन कंपनी एक्ट में क्या लिख दिया गया कि 100 हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करे, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है, 2014 में गवर्नमेंट ने कितना कहा, उसके बाद से गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं कहा, गवर्नमेंट 2021 में कह देते हैं कि सर बढ़ा के 60 कर दिया तो 60 हो जाएंगे, गवर्नमेंट कह देते हैं 70 कर देते हैं 70 हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट भी लेकिन 100 से ज्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करना है कि कितने हो, तो अभी आज तक जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है वो 50 का डिसाइड कर रखा है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर, मिनिमम टू क्वालिफाइड पीपल, मैक्सिमम कैन बी 50 एट प्रेजेंट, बट कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मैक्सिमम कैन बी 100, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड करा, किसी को डाउट इसके अंदर, क्लियर है, जहां कोई डाउट हो क्लियर कर लेना। अब पहला फीचर तो मुझे समझ में आता है, देन दूसरा एक फीचर होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज मस्ट, पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है,
एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल बैठ के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। कौन कितना पैसा लगाएगा ये डिसाइड करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, ठीक है जी, प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, अगर कोई लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करा जाएगा, वो सब कुछ बैठ के डिसाइड करा जाता है, तो उसको हम एग्रीमेंट करना कहते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी। जैसे मान लो मैं किसी के साथ बैठ गया, बैठ के ओरली डिसाइड कर लिया भाई चल इतना इतना पैसा लगाएंगे, इस जगह पर बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो वो भी एग्रीमेंट माना जाता है। एग्रीमेंट रिटन भी होता है, रिटन में क्या करो, स्टैंप पेपर हो, पता है स्टैंप पेपर के बारे में सभी को, कोर्ट की तरफ से आता है जो, उसके ऊपर सब कुछ लिखो, सारे अपने साइन कर दे, कोर्ट की स्टैंप लग के लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो रिटर्न भी कर सकते हैं, मर्जी है, कंपल्सरी नहीं है कि रिटर्न हो, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी, लेकिन एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। हाँ, जैसे आपने 11th क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट आता था जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस का, अगर किसी को थोड़ा सा ध्यान हो तो जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस में मेंबर कैसे बना जाता था, बाय याद है ना, उसको हम कह देते हैं बाय बर्थ या बाय हिंदू लॉ, उसमें एक हिंदू लॉ ऑपरेट होता है, हिंदू लॉ कहता है कि जैसे किसी बच्चे का फैमिली में बर्थ होता है ऑटोमेटिकली वो फैमिली बिजनेस के अंदर पार्टनर बन जाता है, उसको बाय स्टेटस भी कह देते हैं, कि स्टेटस मींस बिकॉज ऑफ हिज बर्थ, कि उसका स्टेटस क्या है, उसने उस फैमिली पे बर्थ लिया तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एग्रीमेंट That person becomes the member in the family business. ये होता था ना, joint the family business. इसमें ऐसा नहीं होता। बड़ा simple सा example लेता हूँ। A, B, C तीन partners. C की हो गई death. अब C का son है D. वो मेरे business में आके बैठ जाता है कि भाई मेरा तो father business से था, मैं उसका अकेला बेटा हूँ, तो क्योंकि मेरा father business से partner था तो मैं भी partner हो गया। तो आपके हिसाब से क्या वो ऑटोमेटिकली ऐसे पार्टनर बन गया? नहीं। कब बनेगा? एग्रीमेंट। पहले एग्रीमेंट किसमें हुआ था? ए बी और सी में, वो एग्रीमेंट खत्म, अब नया एग्रीमेंट बनेगा ए बी और डी में, उसके बाद डी पार्टनर बनेगा, उसके बिना वो पार्टनर नहीं बनेगा। क्लियर चीज? कोई डाउट? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने कहा एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकते हैं, लेकिन ओरल एग्रीमेंट में फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। पार्टनरशिप में देखते हो कितने पार्टनरशिप के अंदर लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, एक ने बात की बातें कहता है वो तो मुकर गया, फिर बाद में दोहा ढूंढो वो ढूंढो कि किसने बात की थी किसने नहीं की थी, तो लड़ाई झगड़े होते हैं ना। ओरल चीज तो हमेशा ही बाद में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो इट इज बेटर टू हैव एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, ज्यादा अच्छा रिटन फॉर्म में करो, रिटन में लिख दिया सारों ने साइन कर दिया, बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ओरल अच्छा है या नहीं, लेकिन अलाउड होंगे, अगर आपको पार्टनरशिप करनी है ओरली एग्रीमेंट कर दोगे वो भी एक्सेप्टेबल है, रिटर्न कर दोगे वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर हम समझदार हैं तो हम रिटर्न करेंगे ताकि फ्यूचर के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप इज बाय एग्रीमेंट, इट इज नॉट बाय बर्थ, इट इज नॉट बाय स्टेटस और एनी लॉ, कोई इसमें हिंदू लॉ कोई लॉ ऑपरेट नहीं करता, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर है? तो बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हुआ करती। उसका तीसरा एक फीचर आता है बिजनेस, पार्टनरशिप जो होती है ना दैट इज ओनली फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा गर्मी है तो फिर एसी ऑन कर देते हैं, मैं आज से नहीं कर रहा हूं, थोड़ा ठंडा मौसम सोशल वर्क करना चाहते हो मिलकर तो उसके लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सोशल वर्क के लिए तो क्या बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी बनती है जिसको कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके लिए बनता है। पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, द मेन पर्पस शुड बी टू अर्न द पूछेंगे बोर्ड के अंदर, मान लो दो भाई दोनों ने मिलकर प्लॉट लिया, दो प्लॉट कंस्ट्रक्ट करे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे पहला भाई रहता है
फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा भाई रहता है। अब क्या मैं उसको पार्टनरशिप कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? मिलके पैसा लगाया सब कुछ उन्होंने, 10-1 करोड़ का खर्चा है, 50 लाख ए ने दिए, 50 लाख बी ने दिए, कैन इट बी अ पार्टनरशिप और नॉट? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस होता तो पार्टनरशिप होती। एक तो क्लियर हो गया। अब उन भाइयों को वो घर समझ में नहीं आया, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने उसको बेच दिया और दूसरा घर खरीद के उसमें रहना शुरू कर दिया। वो 1 करोड़ वाला घर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बिक गया, 20 लाख का प्रॉफिट भी आया था। अब क्या मैं उसको पार्टनरशिप कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये भी उनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर ये काम नहीं करते हैं। लेकिन लाजर होगा बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि रूटीन में नहीं कर रहे हैं कोई काम, रूटीन में करा जाए तो भी तो बिजनेस होगा, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी डीलर होते और खरीदते बेचते, फिर खरीदते फिर बेचते, तभी वो पार्टनरशिप हो सकती थी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्लियर जी? वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्लियर है जी? तो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। और एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस मस्ट बी लीगल, बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि पार्टनरशिप के फॉर्म में अगर उनको अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना है, कुछ भी करवाना है, मिलकर करते हैं, चलो आपस में समग्री का काम करेंगे, मिलकर आपस में पायरेटेड सामान बेचेंगे, नकली सामान बेचेंगे, डुप्लीकेट सामान बेचेंगे, तो बिजनेस तो है वो, लेकिन वो लीगल नहीं है, तो उसके लिए वो पार्टनरशिप नहीं बना सकते। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द लीगल, इलीगल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते। इसको बड़ा क्लियर? नहीं नहीं, उसको मतलब फिर तो उसके छापा पड़ जाएगा, मतलब कागजों में तो हमको लीगली दिखाना पड़ेगा अपने आपको, इलीगल वो काम करेगा तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके अगेंस्ट जो उसके एक्शन लेगी, जो भी गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट वो एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो लीगल इलीगल बिजनेस दिखा के अपने आपको रजिस्टर नहीं करा सकते, तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर इलीगल बिजनेस। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? उसके अलावा एक फीचर होता है, 5 फीचर बता रहा हूँ, उसके बेसिस पर डेफिनेशन क्लियर करूंगा, और इन 5 फीचर में से बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और घुमा के उसके जितना क्वेश्चन 12th क्लास के अंदर जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसी में नंबर खड़ा करते हैं, तो उनको थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट में सभी को शेयर मिलना जरूरी है। जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, एक ने कहा एक को 40%, दूसरे को 40%, तीसरे को 20%, तो प्रॉफिट में तीनों को हिस्सा मिला। 12th क्लास में जो आपको प्रॉफिट दे रखा होगा रेशियो की फॉर्म में बता रहा होगा, जैसे 3:2 रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? मान लो टोटल प्रॉफिट 4,000 का आया, इस रेशियो में बांटने का तरीका करते 3:1 का टोटल क्या हो गया? 6। तो आपने क्या करना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये एक हो गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है। तो समझने के लिए परसेंटेज दे देता हूँ, ए का मान लो 50%, बी का मान लो 30%, सी का मान लो 20%। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए कहता है 70% मेरा, बी को कहता है 30% दे रहा हूँ, सी को कहता है तू पार्टनर है भाई, तू पार्टनर है, तेरे को हम सैलरी दे देंगे हर महीने की 10,000, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन तू पार्टनर है, क्या वो पार्टनर हो सकता है? पार्टनर मस्ट गेट शेयर इन द प्रॉफिट, पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता तो वो पार्टनर नहीं, so that business cannot be called the partnership. Everyone must get the share in the profit. ज़्यादा मिले कम मिले वाला चीज़ है। A को मिला 70%, B को मिला 20%, C को मिला 10%, ठीक है। A को मिला 70%, B को 25%, C को 5%, ठीक है। लेकिन सभी को profit में share मिलना जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ note करने की है, it is compulsory to share the profits, but not compulsory to share
प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों में शेयर होना जरूरी है, प्रॉफिट्स में शेयर होना जरूरी है, लॉसेस में शेयर होना जरूरी है। यहाँ पे एक नंबर में ऑर्डर करो सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है। अब लाइन को घुमाता हूँ, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाता हूँ। सभी इंडिविजुअल जिसको प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है वो सभी पार्टनर्स हैं, ये जरूरी है। इंडिविजुअल जिनको प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है उनका पार्टनर होना जरूरी है। एवरी पार्टनर मस्ट गेट शेयर इन द प्रॉफिट्स, ट्रू और फॉल्स? एवरी पर्सन गेटिंग शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इज अ पार्टनर। तीन चीजें निकल के आती है, एवरी पार्टनर मस्ट गेट शेयर इन द प्रॉफिट, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी पार्टनर टू गेट शेयर इन द लॉसेस, एवरी पर्सन गेटिंग शेयर इन द प्रॉफिट नीड नॉट बी अ पार्टनर, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर दैट पर्सन टू बी द पार्टनर। क्लियर है चीज? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी नहीं। और लास्ट में एक आता है, आज मैं थोड़ा सा बेसिक चीज ही करा रहा हूँ, एक दो ही टॉपिक्स हैं थ्योरी के। पहला दिन सोच के हम सोच लगा कि थ्योरी बहुत ज्यादा है, दो ही टॉपिक्स थ्योरी के, ये इसके पार्टनरशिप गेट से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। थ्योरी अकाउंट करते हैं बच्चों को थोड़ा ना मुश्किल से लगती है, ठीक है, लेकिन इसके बिना फिर बाद में थोड़ा पता रह जाती है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, आपके हिसाब से समझा सकते इसका मतलब क्या होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे के सारे आपके बिजनेस कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी एक दूसरों के बिहाफ पर आकर काम कर रहा है। सारे के सारे भी डिसीजन ले सकते हैं, या कोई भी एक दूसरों के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। 11th क्लास में आपने एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कांसेप्ट होता था, उसमें क्या होता था, एक्टिव होते हैं तो रूटीन में आते हैं बिजनेस में, स्लीपिंग तो पैसा तो लगाते हैं लेकिन रूटीन में बिजनेस में नहीं आते। तो सभी के सभी भी एक्टिव हो सकते हैं, या एक एक्टिव हो बाकी सारे स्लीपिंग हो, तब भी काम चलता रहेगा। इसमें एक यहां पर बड़ा सा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर डिसीजन ले सके। एजेंट इज अ पर्सन हु कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आपके घर आता है, ठीक है, वो आपकी इंश्योरेंस कर जाता है, तो कम किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी को, तो वो कंपनी के भी यहाँ पर काम कर रहा है ना, ठीक है, तो वो तो एजेंट है। और प्रिंसिपल कौन होगा? जो एजेंट के किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एजेंट है कोई काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया आपने को पॉलिसी कर गया, कुछ कमी है, तब उस एजेंट के अगेंस्ट केस करोगे या कंपनी के अगेंस्ट करोगे? कंपनी के, ठीक है। तो एजेंट टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय द एजेंट। एवरी पार्टनर इज एजेंट, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है? मान लो ए बी सी डी ई पांच पार्टनर है, ई ने कोई काम करा, पांचों एजेंट है, मतलब पांचों के पास ये राइट है कि दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं, और पांचों प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल का मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए गए डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ई ने कोई डिसीजन लिया, एफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 1,00,000 का नुकसान हो गया,
अब एफ पैसे मांगने आता है, एबीसीडी कहते हैं ई ने करा था वो देगा, आपके हिसाब से ई देगा या सारे देंगे? क्यों? बिकॉज ई इज द एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ई इज टेकिंग डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, क्लियर है चीज? तो ई अगर डिसीजन ले रहा है तो उसके सारे रिस्पॉन्सिबल है. एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल, एवरी पार्टनर इज एजेंट. वाई एवरी पार्टनर इज एजेंट? बिकॉज एवरी पार्टनर कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर. वाई एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल? बिकॉज एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय द अदर पार्टनर. एज अ एजेंट दे कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, एज अ प्रिंसिपल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय अदर पार्टनर. सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट अमंग ऑल द पार्टनर. सभी पार्टनर्स में प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? एक के भी आपका नहीं, वो जो डिसीजन लेगा पूरी फर्म के भी आपका लेगा ना, कुछ नहीं उसको लॉस क्लियर करना पड़ेगा. रिस्क है ना पार्टनरशिप में, इसलिए कहते हैं कि किसी मूर्ख के साथ पार्टनरशिप ना करो. कई बार क्या होता है कि तीन समझदार लोग हैं, चौथे किसी बेवकूफ को अपने साथ मिला लिया, वो तीनों को खत्म करवा देगा. ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप करते हैं बड़ा सोच समझ के पार्टनरशिप करनी चाहिए. एक भी गलत आ गया और कोई डिसीजन ले गया तो उसके लिए बाकी सारे भी जिम्मेवार होते हैं. तो इसलिए सभी एक जैसे होने चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि ऐसा गलत लगा दिया और दूसरा पूरा बिजनेस नुकसान कर रहे हो, उसने कुछ भी करा बाकी सारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. क्लियर है? अगर कोई चीज करे तो वो तो डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी वाला, मैंने आपको माल बेचना है, आप कहते चलो ऐसे ही बेच ले, कुछ भी हो अगर किसी पार्टनर ने डिसीजन लिया अदर पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय देम. क्लियर है? अब पांच फीचर्स मैंने करा दिए, आज डेफिनेशन ही कराऊंगा और पांच फीचर्स भी कराऊंगा. ठीक है जी, पहला फीचर क्या करवाया? टू और मिनिमम, कौन कौन से टू होने चाहिए, जो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, माइनर और डिस्क्वालिफाइड. मैक्सिमम कितने एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, मैक्सिमम कैन बी 100, बट दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय एज पर इंडियन कंपनीज रूल्स 2014, मैक्सिमम इज 15. देन एग्रीमेंट, partnership can be formed only as a result of an agreement must be written. Agreement may be written or but it is not by birth. जैसे joint Hindu family business में by birth होता है वैसे नहीं होता. उसके अलावा sharing of family business. Partnership जो है that can be carried on only for the purpose of carrying on the business to earn the money. अगर कोई social work कर रहे हैं उसके लिए partnership नहीं होता. ठीक है, कोई चैरिटेबल काम करना है उसके लिए सोसाइटीज बनती है, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं बनती. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का शेयर होना जरूरी है, लॉसेस का शेयर होना जरूरी, हर किसी को जिसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है उसका पार्टनर होना जरूरी नहीं. देन रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इट मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, मतलब कोई भी पार्टनर एज एन एजेंट दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर डिसीजन ले सकता है. ठीक है, और बाकी पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. एक नंबर पूछा जाता है व्हाई पार्टनर्स आर द एजेंट, व्हाई पार्टनर इज कॉल्ड एजेंट, बिकॉज ही कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ. व्हाई पार्टनर इज कॉल्ड प्रिंसिपल, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय द अदर. पांच फीचर्स अगर मैं डेफिनेशन बनाता हूं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस मतलब हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स, इसमें भी थ्योरी रट्टे मारने की जरूरत नहीं, जो मैंने समझा दिया आपके समझ में आ गया, बस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर के हिसाब से आनी है, कांसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. स्लीपिंग पार्टनर अगर कोई डिसीजन ले, अगर स्लीपिंग पार्टनर वो डिसीजन ले तो वो भी एजेंट पार्टनर है ना, वो नौकरी करता कि जरूरी उनको कहता है चलो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ अपना आराम करो, हम काम कर लेंगे. लेकिन अगर वो कोई डिसीजन ले रहा तो बाकी सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. तो डेफिनेशन देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लेना, गलती से कंपनी द्वारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखे क्योंकि टीचर्स में आता है, हु हैव एग्रीड, एग्रीड भी आया था, टू शेयर द प्रॉफिट भी आया था, ऑफ द बिजनेस भी आया था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मुझे पार्टनरशिप के पांचों फीचर समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेशन मुझे अपने आप याद हो जाते हैं, उन फीचर्स को मिला के तो डेफिनेशन बना दी मैंने। तो फीचर्स या एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में बात करता हूं, तो मस्ट हैव टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कम से कम दो होने चाहिए, एंड ऑल सच पर्संस मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनके अलावा हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तीन इंडिविजुअल माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं कर सकता, तो ये पार्टनर भी नहीं हो सकते। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में नहीं था। सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में क्या कहता है, हैज एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स, वो कहता है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट भी मैक्सिमम कितने कर सकती है 100। But as per the rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014, the government has decided the maximum number of partners to. So at present companies rules के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो उसके rule number 10 में government ने क्या लिख दिया कि at present कितने हो सकते हैं? Clear? Agreement. Partnership is formed as a result of an agreement. The agreement may be oral or written. Agreement oral भी हो सकता है, written में। मैंने कहा ज़्यादा अच्छा क्या होता है? It does not come into existence by status or birth. Status या birth जैसे joint the family business में होता था. Appropriation of law. Law कौन सा operate करता है? Hindu law कहते हैं उसको. As in the case of Hindu undivided family business. Joint ownership of property cannot be called partnership. जैसे पहले अभी मैंने बताया दो भाई ने मिलकर property खरीदे तो आप उसको partnership नहीं कह सकते. Existence of business and profit motive. Partnership can be formed for the purpose of carrying on some business. Partnership जो बन सकती है वो खाली business करने के लिए बन सकती है. With the intention of earning profits, पैसा कमाने के लिए. And such business must be legal होना चाहिए, बताया था illegal काम के लिए partnership नहीं बन सकती। An association created for social, religious or charitable purpose cannot be called partnership. Religious के लिए बना दिया, social work के लिए बना दिया, वो partnership नहीं। Clear है चीज़? Good out. ठीक है। Sharing of profits. There must be sharing of profits. Profits का share होना जरूरी है। An agreement to share profit does not necessarily mean the agreement to share the losses. लेकिन losses का share होना जरूरी नहीं। It may be noted that sharing of profits is the line to line transition. Last line कर लेना. Everyone who shares the profit of a business need not necessarily be a partner. हर किसी जिसको profit का share मिल रहा है उसका partner होना जरूरी. Like a manager getting commission in the profits. क्योंकि manager को भी commission मिलती है profits में, लेकिन उसका partner होना जरूरी. Clear है चीज? Then business carried on by all or any of them acting for all. That is the relationship of principal and agent. इसको mutual agency कहते हैं. हर कोई partner एक दूसरे का agent. So each partner is an agent as well as the partner of the firm. Partner या principal एक partner. एक partner agent भी और principal भी है. As agent he can bind the other partners by it. तो agent है तो दूसरे partner उसके लिए responsible है. And as principal he himself can be bound by the act of the other partner. तो ऐसा principal जो दूसरे partners काम करेंगे उसके लिए वो responsible है. तो हर एक partner principal भी है, हर एक partner agent भी है. इसमें किसी को doubt हो तो बच्चे clear कर दो. किसी भी point में कोई doubt. Clear है? थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा ही था, ज्यादा नहीं।